चेंज करने के लिए या आपको नहीं पूछा गया? बिल्कुल नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और उसकी क्या वजह हो सकती है? बाकी तो बहुत सारा प्रेशर लोगों को, जिनके ऊपर प्रेशर पड़ा उनसे पूछें कि क्यों पड़ा। नहीं, आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ा वैसे? वजह क्या हो सकती? मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ इस मुल्क का, इसलिए नहीं पड़ा। आपके मैंने कोई आदमी हाथ ऊपर इधर खड़ा करके कह दे कि मैंने कोई गलत काम किया है 3.5-4 साल, तो जब मैं गलत काम करता नहीं हूँ और मैं प्रीच करता हूँ कि दूसरे भी ना करें, तो मेरे पर प्रेशर क्यों होना था? आपका मतलब है कि बाकी जो गलत काम कर रहे हैं जिनको? नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये तो आप कह रहे हैं। के मकामी जो तो देता है वो भी कर्जा फिर जमा करवा रहे हैं, जिससे बाकी जमातों ने पार्लियामानी बोर्ड बनाया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तकसीम के हवाले से पीटीआई ने भी इस पे वर्क किया होगा? कि पीटीआई ने सबसे ज्यादा वर्क किया होगा। ये जो इलेक्शन आप देखेंगे, पहली बात तो ये टिकट के कोई पैसे नहीं लिए पीटीआई ने, दूसरों वालों ने, दूसरी पार्टियों ने 2 लाख 5 लाख वो लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोई किसी ने भी कोई पैसा जमा नहीं, दैट इज नंबर वन। नंबर टू ये है जो पार्लियामेंट कहते हैं कंपेन करे, वो कंपेन तो पिछले 50 साल से कर रहा हूँ यार, तो अभी कंपेन का जो इलेक्शन होता है ये तो होता रहता है, ऐसे कंपेन के दिन जो दिए गए, जो मैं हूँ। सो इसीलिए कोई पार्लियामेंट बोर्ड जो था वो उनको बैठने ही नहीं किसी ने दिया, तो आई एम श्योर पीपल हैव डिस्कस्ड इट, और ऐसे टिकटें नहीं फेंकी जाएंगी, देखते करें। अच्छा सर, ये जो सूबाई असम्बली के टिकट्स पीटीआई ने जारी कर दी हुई है पहले से, उसकी कुछ तब्दीली के चांसेस हैं या उन्हीं उम्मीदवार? मेरा ख्याल है तब्दील होंगी। हाँ, मेरा ख्याल है होंगी। उसकी वजह यह है कि सिचुएशन नेचर चेंज हो गई है, कई वो आदमी जिनको टिकट मिले हैं उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया, पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया, कोई दूसरी पार्टी में चला गया है,